भोपाल के इंद्र विहार कल्याण पैनल तिलक ग्रह निवास सहकारी संस्था मर्यादित भोपाल कॉलोनी के पिछले 40 साल से चुनाव अंदर ही अंदर हो रहे थे, पर अभी नए पैनल में चुनाव की नई शुरुआत की गई है, जिसमें सदस्य संस्था के संचालक मंडल के चुनाव में इंद्र विहार कॉलोनी की मूलभूत समस्या जैसे कि सड़क निर्माण शिविर, विकास, नर्मदा जल, साफ सफाई, सुरक्षा, खेलकूद का मैदान सहित समस्याओं के निराकरण हेतु आज लोगों से शून्य सोसाइटी के मेंबर के बारे में लोगों से बात की गई। लोगों ने योजना बनाई। भोपाल से मुकेश सिंह की रिपोर्ट। जनाब, ये नए चुनाव तिलक सोसाइटी के होने जा रहे हैं। यहाँ पर सुनने में आया कि कई समस्याएं भी हैं, पहले सोसाइटी कैसे काम करती थी या अब जो नए लोग खड़े हुए हैं, इन लोगों से कोई शिकायत है क्या? नहीं, इनसे भी नए पुराने लोगों से कोई शिकायत। तस्दीर भाई हमारे जो है सोसाइटी के जी, एक हमारे खून से काम करते थे, हम उनका शुक्रगुजार हैं तस्दीर भाई का। अब नए चुनाव हमारा वो बात अलग बात है, हम तस्दीर भाई के शुक्रगुजार हैं। अभी क्या कोई समस्या नहीं निकल के आ रही है आसपास मोहल्ले में? समस्या थोड़ी बहुत है, वो थोड़ी बहुत रहेंगी, थोड़ी लाइट की उसकी रहती है, बाहर की तो समस्या थोड़ी, तो खान साहब ने उन्हें वादा करा है कि हमने चुनाव में वादा लिया पूरा कर देंगे। जनाब, एक नई सोसाइटी गठित होने जा रही है तिलक सोसाइटी की, और इसके पहले आज तक चुनाव बहुत समय से हुए नहीं थे। पुरानी कमेटी कैसी थी, क्या काम करती थी, या नई कमेटी आप लोग चाहते हैं या कुछ बदलाव चाहते हैं, और अभी क्या कोई समस्या तो नहीं है इस एरिया में? सब अभी मुझे ये पैम्पलेट मिला है। यस, बताइए। ये मैं आपको पैम्पलेट दिखा दूँ। जी, पैम्पलेट दिख रहा है। जी सर, इसमें कॉलोनी का निर्माण सीसी रोड का चल रहा है। जी सर, कुछ इनकम्प्लीट है। यस, पार्क मेंटेन हो रहे हैं और अभी और होंगे जी। सीवेज लाइन का काम चल रहा है। मेरे घर के आगे की तो रोड बन गई। अच्छा, मेरे घर के आगे का रहते हैं आप? एरिया नंबर बताइए। बी 209। पूरा नाम क्या है आपका? मेरा नाम है आसिफ, और मेरा खुद का मतलब जो ऑफिशियल नाम है डॉक्टर ताहिर खान। अच्छा, है ना? तो मेरे घर का तो काम हो गया। जी सर, ठीक है। और बाकी का इसमें जो जितने भी वादे हैं, स्ट्रीट लाइट के, कॉलोनी के प्लाट, पानी की समस्या, और सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ जो है खेल का मैदान, पुस्तकालय, और बाकी की और जो प्रॉब्लम है, तो वो सोसाइटी ने प्रॉमिस किया है, अभी तक काम किया है और करेगी। तो बच्चों बताओ, किस चीज़ की कमी है इस क्षेत्र में, क्या चाहते हो आप लोग? पार्क पूरे जंगल हो रहे हैं। पार्क नहीं है खेलने के लिए? पार्क बिल्कुल नहीं है। पूरे में कीचड़ खप्पड़ हो रही है। सर, एक नई कमेटी बनने जा रही है आपके क्षेत्र की, और जो पहले जो कमेटी थी उसने कैसा काम किया था, और ये नई कमेटी जो बनने जा रही है इससे आप खुश हैं या क्या उम्मीद रखते हैं? पहले कमेटी जो थी वो भी अच्छी थी। वो भी काम करा है उन्होंने। अच्छा, अब थोड़ा बहुत तो रह ही जाता है। जी जी जी, चल रहा है। अच्छा, और वो हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है कि अभी से नहीं है। ये तो शुरू से, जब कॉलोनी बन रही थी तभी से लाइट की कोई परेशानी नहीं है, स्ट्रीट लाइट है, नल आते हैं बराबर। कुछ आपके क्षेत्र द्वारा ही इसकी कंप्लेंट की गई है बहुत पहले कि यहाँ पर ऐसे लोग हैं जो कई अपराधों में संलिप्त हैं, ऐसे लोग कमेटी में भी थे या कुछ लोग खड़े हो रहे थे, कोई ऐसे कोई संज्ञान में तो नहीं है? इसमें तो अभी कोई भी नहीं है, ना पहले से कोई भी अपराध वाले। अच्छा, जिनका अपराध दर्ज हो सब नाम लिखे हुए हैं, देख लिया जाए जो कोई बोलते हैं, क्योंकि ये मामले को DIG साहब भी संज्ञान में लिए हुए हैं, थाने में इसका एक FIR भी बहुत पहले हुई थी, ऐसा सुनने में आया। तो हमने कहा जनता की राय हम चाहते हैं। नहीं, अपराधी तो फिलहाल जो उनकी सोसाइटी है अभी फिलहाल या थी, उसमें तो अभी तो कोई भी ऐसा लगा नहीं आया। चुनाव में आपको किसी प्रकार की अभी ऑब्जेक्शन तो नहीं है जो चुनाव होने जा रहे हैं? कोई ऑब्जेक्शन नहीं, सब अच्छे लोग हैं। जी जी, जनाब, ये तिलक सोसाइटी के जो चुनाव होने जा रहे हैं, इस नए चुनाव में नई कमेटी ने अपना पैनल दे दिया है, पहले कमेटी क्या कैसा काम किया उसने, और अभी नई कमेटी से क्या तवक्कु है, और कोई काम तो नहीं छूटा है, बताएं क्या समस्या है क्षेत्र में? इसका तो ये नॉलेज ही नहीं है, मैं तो नमाज पढ़ने आता हूँ, बैरागढ़ में रहता हूँ। अच्छा, बैरागढ़ में? हाँ, ज़्यादा सुना है, बाकी अच्छा काम करते हैं, सुना अक्सर मिलना होता आता जाते हैं। जी जी, आप बताइए बेटा, क्या नाम है? मेरा नाम मोहम्मद जैद। जी, जो पुरानी सोसाइटी है खान साहब की, बहुत अच्छा काम करती है पुरानी सोसाइटी। जी हाँ, जो खान साहब की सोसाइटी तिलक सोसाइटी, वो बहुत अच्छा काम करती है। ये भी इल्ज़ाम लगाए गए हैं कि वो लोग यहाँ नहीं रहते, बाहर रहते हैं और सोसाइटी चला रहे हैं। सोसाइटी चलती है और अच्छी चल रही है सोसाइटी, अच्छा काम करते हैं वो। जो नई सोसाइटी है उससे हमें कोई मतलब नहीं। अच्छा, आप कहाँ रहते हैं अभी? मैं सामने ही रहता हूं। मकान नंबर बताइए। 196। क्या नाम है? मोहम्मद से। मोहम्मद से। जी, चलिए।
करके वहाँ के पार्कों का निर्माण करवाया। पानी इम्पोर्टेंट है क्या? पानी लेकिन 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 जो पानी इतनी इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण चीज है, जब आप उसका समाधान वहाँ नहीं कर पाए तो इस नई सोसाइटी में आके आप क्या करेंगे? इतना समय क्यों लग गया प्रयास करने में? आपके दिए हुए कागजों पे कार्रवाई क्यों नहीं हुई? मैं बता दूं, पानी के लिए अभी मनवा भांड टेकरी पे माननीय विधायक जी आए थे, रामेश्वर शर्मा जी, उनसे हमने बात रखी। उनने हमें पूरी तरह से आश्वासन दिया है कि आपको बहुत शीघ्र नर्मदा नदी का पानी आपको मिलेगा, एक चीज़। दूसरी चीज़, हम कॉलोनी वासी हैं, हम मैं राजेश बांदेवाल या आप लोग जितने यहाँ खड़े हैं, कि अपने घर से पानी दे सकता है कोई? हम जनप्रतिनिधि से मांग सकते हैं, कह सकते हैं, कलेक्टर से किया, कमिश्नर से किया, और इंद्र विहार में भी हम जो कह रहे हैं कि हम लाने का प्रयास वहाँ भी किया है और यहाँ भी करेंगे, और जब तक नहीं आएगा पानी हम चैन से नहीं बैठेंगे। इंद्र विहार कॉलोनी में पानी मिल रहा है, ये हमारे लिए बहुत गौरव की बात है। दाता कॉलोनी में पानी नहीं मिल रहा है, मगर दाता कॉलोनी में शीघ्र पानी मिलेगा, इसका आश्वासन माननीय विधायक जी ने हमें दिया है। और आप एक बार, मैं कह रहा हूँ कि आप विजिट करें, आप विजिट करें, मेरी बातों पर यकीन नहीं करें, दाता कॉलोनी का एक बार विजिट कर लें और इंद्र विहार का विजिट कर लें, अगर आपको दोनों में से किस में कितना विकास हुआ वो दिख जाएगा। नहीं, लेकिन आपने जो बताया माननीय विधायक जी ने जो घोषणा करी, हाँ, वो घोषणा तो वो पूरी करेंगे, हाँ, आप क्या करेंगे? नहीं तो मैं क्या करूंगा? क्या मैं मेरे घर में पानी दूंगा? भाई साहब, मैं मेंबर हूं, नर्मदा जी को लेके आए हैं, आप क्या करेंगे? नर्मदा आने वाली, एक मिनट, विधायक जी, सांसद जी वहाँ पानी लेके आएंगे, हम लोग कॉलोनी में पानी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। अब मैं बोलता हूँ कॉलोनी वालों को, सर बांदेवाल जी यहाँ उम्मीदवार के रूप में खड़े हैं और उन्होंने बोला है कि इस बार अगर आप हमें मौका देंगे तो हम पूरा प्रयास करेंगे, क्योंकि माननीय विधायक से इनकी चर्चा हो गई है। अगर क्षेत्र में पानी की कमी एक बड़ी समस्या निकल कर आगे, पहला स्टेटमेंट उनका यह था कि हम कोशिश ये करेंगे कि नगर निगम को एड हो, पानी की समस्या उन्होंने प्रायोरिटी पे नहीं ली है। नहीं है पानी की समस्या, लेकिन ये नगर निगम को हैंडओवर करने की भी बात इन्होंने करी, लेकिन स्थानीय लोगों ने भी ये बात बताई है। क्या करेंगे हम? नहीं कर सकते हैं, शिवराज सिंह चौहान नहीं ले सकते इसको। मैं न्यूज में बोल रहा हूँ, अभी डेवलपमेंट नहीं हुआ, सलम के क्वार्टर नहीं बने, निर्मल आय वर्ग के पूरे बंगले नहीं बने, अभी कई मूलभूत समस्याएं नहीं हो पाई है। भोपाल में 136 नगर निगम के पास में कॉलोनी है, आप वहाँ पर जाके सड़कें देखें। हम अगर नगर निगम की बात कर रहे हैं तो उन 136 कॉलोनियों में क्या नगर निगम ने पूरी सेवाएं दी है? पानी, बिजली, रोड, क्या वहाँ पर मिला है? सर, भोपाल में वैध कॉलोनी, अवैध कॉलोनी की समस्याएं नहीं कर पाती है, तो ये कॉलोनी आसानी से। सर, मैं प्रॉपर्टी टैक्स देता हूँ, 20 साल से आ गया हूँ दाता कॉलोनी में, सोसाइटी में 2.5 करोड़ रुपए पड़े हैं जो नेशनल हाईवे ने उन्हें दिए हैं, उसका ना उसका कोई उपयोग नहीं हो रहा है। 10 बार दाता कॉलोनी के लोगों ने बोला कि आप हमें पानी दीजिए, आप हमें, वो ये नगर निगम को टाल देते हैं कि विधायक महोदय देंगे, पार्षद महोदय देंगे, वो ये दाता कॉलोनी के जो अध्यक्ष दुबे जी हैं, बांदेवाल जी, तो बांदेवाल जी मेरे साथी हैं और हम लोग एक ही परिवार के हैं। बांदेवाल जी मोहल्ला सुधार कमेटी के हैं, मैं भी मोहल्ला सुधार कमेटी दाता कॉलोनी से हूँ, लेकिन जो बात तिलक कॉलोनी में है वो दाता कॉलोनी में नहीं है। अभी पैसा है, हम कह रहे हैं नगर निगम को आप पैसा दे दो और आप पहले ये हैंडओवर करवाओ, लेकिन ये नगर निगम को हैंडओवर नहीं होने दे रहा है, ये पार्षद महोदय, विधायक महोदय पे बॉल दे देते हैं, वो बेचारे आते हैं और हमें यकीन दिला के जाते हैं हम पानी देते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा हमारे पास जब पैसा है तो हमें पानी क्यों नहीं दिया जा रहा है? 2.5 करोड़ रुपए दाता कॉलोनी में है। आपकी इस समस्या से क्षेत्रीय लोग सब सहमत हैं, इन्हें सब मालूम है क्या? हाँ, सबको मालूम है, लिख के दिया है, मेरे पास ऑन प्रूफ डॉक्यूमेंट है, जो मैं टाइम आने पे जहाँ आप बोलोगे प्रेजेंट करूंगा। क्या नाम है आपका? कय्यूम कुरैशी जी ने ये भी बताया है कि समस्याएं तो बहुत ज्यादा धीरे धीरे निकल कर सामने आ रही हैं। पानी नहीं है क्षेत्र में और इसके लिए विधायक से इन्होंने गुहार भी लगाई है। जो नए पैनल में खड़े हुए हैं बांदेवाल जी, उन्होंने बोला कि हम पूरे प्रयास कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं स्थानीय लोग भी हैं और यहाँ पर पानी की समस्या है। तो अब मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, मेरे सभी साथी यहाँ पर भाई लोग खड़े हैं, इस चुनाव होने वाले चुनाव में किसी प्रकार का कोई ज़्यादा ऑब्जेक्शन या किसी प्रकार के आप लोग इसमें कुछ वो तो नहीं रख रहे हैं, या इस चुनाव को हो जाना चाहिए?
बताइए, हो जाना चाहिए ये चुनाव को, ये चुनाव कॉलोनी के हित के लिए है, ये चुनाव कॉलोनी के हित के लिए होगा ना जी? बिल्कुल बिल्कुल जी। एक बात मेरी खान साहब नहीं थे, जमानत नहीं थी, जब भी हमें पानी की कमी समस्या में लगा ही नहीं कि खान साहब है नहीं हमारी कॉलोनी। गर्मियों में भी अगर पानी की समस्या आई तो टैंकरों से हमें सिस्टम से काम करना। आज की तारीख में भी दाता कॉलोनी में टैंकर से पानी आता है, आपको मैं फोटोग्राफ समेत भेजूंगा। लोग इतने अच्छे हैं कि आपस में एक दूसरे को किया, किसी ने अपने घर से पानी दिया, किसी ने अपने ट्यूबवेल से दिया, किसी ने टैंकर मंगा के लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करवा दिया। यहाँ के लोगों की अच्छी बात है, लेकिन सरकारी तौर पे जो मुहैया जो सुविधाएं इनको मिलना चाहिए वो अभी जीरो लगती हैं, और उसके प्रयास अभी लगातार किए जाएंगे। और नई कमेटी जो बनेगी उसने भी अपनी पूरी घोषणाएं दी हैं, घोषणा पत्रों से क्षेत्र में ये बात तो निकल के सामने आई है कि चुनाव को लेकर किसी प्रकार का कोई बड़ा विरोध नहीं है। मैं खबरें आज तक से आसिफ खान भोपाल, दाता कॉलोनी तिलक सोसाइटी से। जनाब, तिलक सोसाइटी की नई कमेटी पैनल बनने के लिए तैयार है, और पिछली पैनल जो हमने काम किया था कोई काम रह तो नहीं गया था, और जो नया पैनल शुरू बैठ चुनाव के लिए खड़ा हुआ है इसमें कोई कमी तो नहीं है, कोई अपराध किस्म के लोग तो नहीं है, या कोई शिकायत क्षेत्र में है, या कई कुछ समस्या हो तो थोड़ा रोशनी डालें। क्या नाम बताइए? सर मेरा नाम कयूम कुरैशी है, और मैं बैंक ऑफ बड़ौदा ऑफिसर से रिटायर हुआ हूँ, और 20 साल पहले मेरा मकान दाता कॉलोनी में है, 8% में दाता कॉलोनी में रह रहा हूँ, लेकिन तिलक कॉलोनी जो है इसमें मेरे बिदर का प्लाट है, और वॉक इन करने हम लोग सब तिलक कॉलोनी होते हुए जाते हैं। और तिलक कॉलोनी और दाता कॉलोनी लगी हुई कॉलोनी है, लेकिन जो काम तिलक कॉलोनी में हमने देखा वो दाता कॉलोनी में नहीं देखा। दाता कॉलोनी में हमें 3 करोड़ रुपये मिले हैं मेन हाईवे रोड के हर जाना। आज 20 साल से हम पानी के लिए दाता कॉलोनी में तरस रहे हैं, पानी के लिए दाता कॉलोनी में हम तरस रहे हैं, और ये तिलक कॉलोनी जो है यहाँ पानी भी है, रोड भी है, हम वॉकिंग करने भी जाते हैं, बहुत मज़ा आता है, कोई परेशानी नहीं है। हमारी कॉलोनी में तो इन्होंने भेड़ागड़ा वाला रोड निकाल दिया है दाता कॉलोनी, हमने और हमारे जो मोहल्ला सुधार कमेटी में बांधने वाले जी ने कंप्लेंट भी की थी सब रिश्तेदार को, DIG साहब को भी हमने कॉपी पे भेजी, लेकिन इसकी कोई सुनवाई नहीं है। सबसे अच्छी कॉलोनी हमको जो लगी वो तिलक कॉलोनी लगी है, दाता कॉलोनी के हम रहने वाले हैं। 20 साल पहले हमने मकान बनाया था, वहाँ कोई रोड की व्यवस्था नहीं है, पानी की नहीं है, और बिना फालतू सेफ्टी टैंक लीक हो रहा है जो कॉलोनी में हमने ये देखा। हम उम्मीद ये करते हैं कि तिलक कॉलोनी की तरह दाता कॉलोनी को बनाई जाए। तिलक कॉलोनी में हमने कभी लड़ाई झगड़ा और वो किसी तरह कोई परेशानी नहीं देखी। मेरे बच्चे भी घूमते हैं, बहुएं भी और फादर भी, सब हम पूरे वॉकिंग करने यहीं आते हैं। और दाता कॉलोनी कहा जाता है जहाँ दाता कॉलोनी क्या जाता है, जहाँ पीछे मेन सेंटर में हम लोग, ये पूरी सोसाइटी में कितनी कॉलोनी है? इस कॉलोनी में कम से कम कॉलोनी में पंचपटिया है, तिलक कॉलोनी है और दाता कॉलोनी है। एक भोपाल की काफी बड़ी सोसाइटी है जिसका काफी बड़ा क्षेत्रफल है और काफी जगह पे ये फैली हुई है, और यहाँ के जितने भी सम्माननीय निवासी गण है तिलक और दाता कॉलोनी के आसपास के लोगों ने अपने अपने विचार रखे। जो पैनल खड़ा हुआ है उसके बारे में भी राय मिली, और जो नया पैनल खड़ा हो रहा है उसके बारे में भी हमने जाना, लेकिन ज़्यादातर कोई नए पैनल के हम लोग यस और नए पैनल के लिए सर बता दीजिए, नए पैनल की अभी क्या क्या घोषणाएं हैं और क्या क्या करने वाली है ये पैनल जनता के हित के लिए? हम मेरा नाम राजेश बांधे वाले जी, और तिलक सोसाइटी से मैं चुनाव में खड़ा हुआ हूँ जी, और हमारा मुख्य मुद्दा है कि तिलक सोसाइटी को नगर निगम को हैंड ओवर करना, ये हमारा मुख्य उद्देश्य है। और तिलक सोसाइटी में अभी बहुत से काम होना बाकी है, जैसे पार्कों का विकास होना है, रोड बने हुए हैं मगर बहुत सारे रोड बनना है, सीवेज की समस्या है, इस सब समस्याओं को दूर करना। तो अगर हमें मौका मिला, हम प्रयास कर रहे हैं, हमारे पहले खान साहब उसके सोसाइटी का अध्यक्ष रहे हैं, कर्नल साहब रहे हैं, और उन लोगों ने भी काफ़ी काम किया है, मगर जितना होना चाहिए काम फिर भी उस हिसाब से काम नहीं हुआ है। अगर हमें मौका मिलता है तो सबसे पहले हम कॉलोनी को नगर निगम को हैंड ओवर करेंगे, पार्कों का विकास करेंगे, जो खुले में जो पानी भरा हुआ है
वो पानी का रखरखाव बीमारियों से दूर करेंगे। जैसे मैं पूछ सकता हूँ साहब के, जैसे क्या काम नहीं करा? नहीं, काम जैसे पार्कों का विकास है, पार्कों का विकास जो होना चाहिए पार्कों का विकास उस हिसाब से नहीं हुआ। दूसरी बात, जो ई सेक्टर है, ई सेक्टर में बड़े बड़े गड्ढे हैं, कई जगह पानी इकट्ठा भरा हो रहता है। ए सेक्टर में अभी सीवेज का काम चल रहा है तो वहाँ भी देखा कि सीवेज बह रहा है। तो ये तो काम जो है, सीवेज बह रहा है, हाँ तो काम तो वहीं रहता हूँ, हाँ तो काम चल रहा है। मैंने ये थोड़ी कहा, काम चल रहा है। हमारा उद्देश्य जो है, देखिए सभी को अधिकार है अपना लड़ने का, पक्ष रखने का। मेरा हमारा आप लोगों से भी अनुरोध है कि एक बार 40 साल तक उनको मौका दिया, अगर आप हमें मौका देते हैं तो हम ये कहना चाह रहा हूँ, बांदेवाल जी और हम लोग एक ही कॉलोनी से आए हैं। मैं बांदेवाल जी और हम लोग परेशान हो गए पानी के प्रयास के, पानी हमें अभी तक नसीब नहीं हुआ। पूछिए आप बांदेवाल जी से, पानी बिल्कुल नहीं है। किस कॉलोनी में पानी की समस्या है? दाता कॉलोनी में, जो अध्यक्ष की है, जो अध्यक्ष महोदय की है, जो हम मोहल्ला सुधार कमेटी मिश्रा बांदेवाल उसमें भी है, उस कॉलोनी में भी है। मैं दाता कॉलोनी का भी अध्यक्ष हूँ, हाँ, दाता कॉलोनी कॉलोनी कल्याण समिति के भी अध्यक्ष हूँ, मोहल्ला सुधार कमेटी। और मैं, मेरा जो है तिलक सोसाइटी में भी प्लाट है, भारतीय स्टेट बैंक नहीं है, भारतीय स्टेट बैंक बिल्डिंग है, ठीक है, खान साहब ने वो प्लाट लिए, और दाता कॉलोनी में पानी सप्लाई नहीं है। और ये दाता कॉलोनी गांधी मेडिकल सोसाइटी जो है सर, उसे आज हम 20 साल से कह रहे हैं, हम ये चाह रहे हैं कि ये तिलक सोसाइटी में सिंगई नर्मदा जल लाया जाए। नर्मदा का पानी है। मैं ये पूछना चाहता हूं कि आपकी मेरी बात, आपकी बात मेरी समझ में नहीं आई। आप कह रहे हैं मैं दाता में रहता हूँ, ठीक है ना, और दाता में ही पानी की समस्या नहीं है ना, तो फिर हमारे यहाँ तो है ही नहीं ना भैया। आपके तो पानी हमारे यहाँ नहीं है, पूछो इसे ना। ऐसा क्यों? जो पानी की समस्या है, हाँ, मैं बता रहा हूँ ना, कि हमारे पास पहले अवगत कराया अधिकारियों, हमने अवगत कराया, हमने आंदोलन किया, प्रशासन को कुछ नहीं हुआ, हमने आवेदन किया, आंदोलन किए, कुछ नहीं हुआ, नगर निगम को हैंडओवर नहीं हुई, कभी कहा कोई सुनने वाला नहीं। फिर भी हमारी दाता कॉलोनी में जितना काम, आप एक काम कीजिए, आप घूम के आइएगा, आप हमारी बातों पर विश्वास मत कीजिए, आप एक बार दाता कॉलोनी में घूम लीजिए और एक बार इंद्र विहार में घूम लीजिए। दाता कॉलोनी के पार्क हमारे क्षेत्रीय विधायक और पार्षद, पार्षद आप जाके देख के आ जाइए, पार्कों का विकास हुआ। एक, 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 एक भी तो हमने हमारे विधायक से और पार्षद से, अब मैं किसी कार की भी जरूरत नहीं है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।